हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं अभी इस समय हूँ अपने तालाब पर। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और आज भी ब्लॉग मैं लेट से कर रहा हूँ, तो उसके लिए कोई बात नहीं। और कल जो है मैं तालाब पर हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया, हमको बचाने पर ही रात को रुका था। और यहाँ का रुकने का कुछ और मज़ा था, एक्सपीरियंस था, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आप सबके बीच। तो ये पॉन्ड आप जो देख रहे हैं, वाटर को निकाला जा रहा था। वाटर को निकासी करने का रीज़न ये है कि इसमें काफ़ी जो मछलियाँ हैं वो उनको दाना खाने में प्रॉब्लम होता है। कारण मैं बताना चाहूँगा, कारण ये है कि मेरा तालाब जो है ज़्यादा जो है डीप है, तो जो मछली नीचे से ऊपर आने में उसको टाइम काफ़ी लग जाता है, ठीक है। 6 से 8-9 फीट है, डीप में है, तो जो मछली से आने में ऊपर उसको थकावट हो जाता है। थकावट होने के कारण वो फीड को नहीं खा पाता है, ठीक है। फीड मीन्स दाना को नहीं खा पाता है और ऐसे में थक जाता है और मछली जो है तनावग्रस्त हो जाता है। ऐसे में मछलियाँ बीमार होने का चांसेस बढ़ जाता है ज़्यादा तक। तो इसलिए जो है पानी का लेवल जो है कुछ कम किया जा रहा है मोटर के माध्यम से। और वो मोटर जो है पहले वहाँ पर जो शीशो दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा ब्रिज है, पेड़ है, वहाँ पर जो है मोटर लगाया हुआ था और वहाँ से जो है पानी जो है ऐसे सेक्शन डाल करके सेटअप पूरा किया करके और वहाँ से डिलीवरी से वहाँ पानी वहाँ उसमें गिराया जा रहा था वो वाला खेत में। हालांकि वो मेरा अपना नहीं था, किसी दूसरे का था, लेकिन कोई फिर नहीं बोला क्योंकि बारिश का मौसम है तो चल जाता है सर यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने पानी जो है निकाल लिया है, निकासी कर लिया है। अब देखिए अभी तालाब का क्या सिचुएशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले पानी वहाँ वो ऊपर से, तो आप कोना देख रहे होंगे, कोना में जूम करना चाहूँगा। देखिए ये जो कोना आप देख रहे हैं, ये वाला ये कोना जो है, जो एक कोना ये पानी का लेवल जो है कम होने से जो है ये मतलब भस रहा है, यानी गिर रहा है, ठीक है। ऐसे पानी का लेवल बरकरार था तो इधर से पानी का लोड था और उधर से भी पानी का लोड था, तो ऐसे में मिट्टी का लेवल जो है बना हुआ रहता है, गिरने का कम चांसेस रहता है। तो उसके लिए कुछ बात नहीं है, वो तो जितना गिरना होगा वो सीजन में गिरेगा ही, ठीक है, वो गिरता है, नई बात नहीं है। जब भी कोई नया तालाब निर्माण होता है तो उसमें थोड़ा सा कुछ होते रहता है, डिफरेंट चीज़। तो ये भी जो है न्यू ये हुआ था, ऐसे तो पूरा में था लेकिन ज़्यादा मिट्टी कटा गया था वो वाला में, तो उसको लेबल किया गया था इस बार, तो समझिए कि नया ही इसका निर्माण हुआ है। तो नया में मिट्टी उस पर रखा हुआ है तो गिरेगा ही, ठीक है। ये हुआ मुद्दे के बाद पर आते हैं। और पानी निकालने का यही रीज़न था कि मछली जो है बीमार होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसे कम पानी में जो है नीचे ऊपर आएगा दाना, और फ्लोटिंग फीड होता है जो हम लोग खरीद करके कंपनी के द्वारा निर्मित जो किया हुआ रहता है, ब्रांडेड फीड जो होता है IB कंपनी का, हम जो है वही खिला रहे हैं, ठीक है। तो उसका खिलाने का फ़ायदा यही है कि फ्लोटिंग मीन्स तैरना है ना, यानी दाना जो हम लोग खिलाते हैं वो ऊपर रहता है, पानी के लिए वो ऊपर आ जाता है। पानी साफ होता है तो नीचे से मछली को पता चल जाता है कि मेरा खाना जो है आ चुका है, तो वो जान जाता है, तो वो नीचे से मछली आता है अपना खाना शुरू कर देता है। अब पानी का लेवल कम रहेगा तो वो जल्दी आ जाएगा ऊपर, ऐसे में मछली को थकावट नहीं हुआ, तो इसीलिए जो है पानी का जो है हम लोग निकासी कर रहे हैं। अब ये तो पौंड का हो गया, ये पहली वाली पौंड हो गया। अब दूसरी वाली पौंड में जो है वहाँ पर मैं मोटर लगाया हूँ, ओपन मीटर आप सब जानते ही हैंगे, वहाँ पर कोना पर जो है रखा हुआ है। अब उसमें से आज रात भर
यहाँ पर रुक करके चलाना पड़ेगा। सोने का तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर नींद क्या आएगा, क्योंकि पानी छोड़ने का ज़्यादा चांस होता है तो नींद वींद नहीं आता है। और आप वो हमारे पीछे देख रहे हैं, वो उस पर हम जो है सोते हैं रात को, मच्छरदानी लगा करके, बेड उड पूरा लगा करके हम लोग सोते हैं। मतलब सोते क्या हैं, बस ऐसे ही मोबाइल चलाते रहते हैं, एडिटिंग करते रहते हैं, रात कट जाती है एडिटिंग करने में। तो ऐसा कुछ है आज का है सीन। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इस अभी वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको आगे ले चल के आपको दिखाने वाला हूँ मोटर चल रहा है, पानी कहाँ पर गिर रहा है। तो मैं मोटर के पास आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मोटर कहाँ पर सेटअप है, इसका स्विच जो है कहाँ पर रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है स्विच रखा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ से जो वायर एक प्लग है स्विच बोर्ड में लगाया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं मोटर यहाँ पर पूरा सेट किया हुआ है, और ये पानी जो है आगे की ओर बैक कैमरा से जो है दिखाना चाहूँगा, क्योंकि फ्रंट रोड और वो भी क्या कैमरा का जो है क्वालिटी थोड़ा सा लो है, इसलिए साफ पिक्चर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो मैं अभी दिखाऊंगा बैक कैमरा से। और आप देख सकते हैं कि ये जो डिलीवरी पाइप जो है मोटर के पास से जो है गिरा हुआ है, वहाँ से जो है यहाँ पर मतलब आ चुका है, और ये पानी जो है मेरे खेतों में ही जा रहा है, किसी दूसरे के खेत में नहीं, ये मेरे ही खेत में जा रहा है। और ये पानी कुछ समय के लिए चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में मछलियों को प्रभावित बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा तालाब जो है बहुत ज़्यादा डीप है, तो मैं अपडेट करूँगा कुछ मिनटों में। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी अपने आ चुका हूँ तालाब पर, आप देख सकते हैं। और ये मैं अभी अपना मोबाइल का जो है टच लाइट जो होता है उसको जला करके शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट अभी कटा हुआ अभी, और अभी मॉर्निंग के 4:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं रात भर जो है बैठ करके मतलब मोटर चलाया यहाँ पर, क्योंकि नींद तो नहीं आता है। अभी आप देख सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, तो मैं अभी रहूँगा यहाँ पर 8 बजे तक। फिर 8 बजे तक भैया आ जाएंगे यहाँ पर, फिर हम चले जाएँगे फ्रेश व्रेश होने पर होकर के सोएंगे आज दिन भर, क्योंकि फिर रात में हो सकता है जगना पड़ सके। तो कुछ समय में मैं अपडेट करूँगा। ठीक है, फिलहाल तो सुबह हो गया, अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, और आप देख सकते हैं अभी सब दिखाई देने लगा। तो मैं यहीं पर इसी कुर्सी पर, 3 चेयर है यहाँ पर, 1, 2, 3 इधर 3, और यही चेयर पर जो है कभी इस पर कभी उस पर ऐसे बैठ बैठ करके जो है मैंने रात काटा। और यही है कि यहाँ पर ज़्यादा कोई ख़ास अंतर नहीं आया, बट मच्छर जो है बहुत ज़्यादा काट रहा था यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो प्रॉब्लम हो रहा था। वो जो आप चचरी देख रहे हैं ना वहाँ पर, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था कि वहाँ पर थे लेकिन बहुत ज़्यादा मच्छर, चुट्टी जो लाल चिट्टी होता है ना वो भी उस पर चल रहा था, तो उस पर उतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। बट मैं बैठ करके रात काटा हूँ, और यहाँ पर जो है पानी उसमें बहुत ज़्यादा निकल चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और मैं यहाँ से कुछ देर बाद अब घर जाऊँगा, क्योंकि मुझे सुबह सुबह चाय की आदत है। आप देख सकते हैं कि इस तालाब का पानी जो है बहुत कम हो गया है, जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना साइड से जो है पानी कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, दूर से आप देख सकते हैं। पहले एकदम डैम्प था, एकदम लग रहा था कि नदी है, नाला उस टाइप का लग रहा था, नदी टाइप लग रहा था। तो मिलते हैं कुछ समय में। ठीक है, घर जाने के बाद मैं फिर अपडेट करता हूँ फ्रेश होने के बाद। फाइनली आ चुके हैं अपने घर पर, और मैंने नहा लिया, खाना खाना बाकी है, खाना खाकर मैं सोने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आ रहा है नींद। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा,
अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।